नमस्कार। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेसेंटा के बारे में। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि फुल्ली जो डेवलप्ड प्लेसेंटा, टर्म प्लेसेंटा का वेट कितना होता है, वॉल्यूम क्या होता है, और इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, और इससे जुड़ी हुई क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो टर्म प्लेसेंटा है उसका वेट 500 ग्राम होता है। इसका जो वेट होता है वो 500 ग्राम होता है, वॉल्यूम 500 ml होता है। और याद रखना चाहिए कि रेशियो, जो वेट ऑफ प्लेसेंटा और फीटस के बीच का जो रेशियो होता है वो 1:6 होता है। तो आप याद कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, अगर ये 500 ग्राम है तो एक फुल्ली डेवलप्ड फीटस कितने ग्राम का होगा? 3000 ग्राम, यानी 3 kg के आसपास का होगा। तो इसे याद करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ये बस एक ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। और किस टाइम पर प्रेगनेंसी के समय प्लेसेंटा का वेट फीटस के बराबर हो जाता है, ऐसा करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा ऐसा समय, वो कौन सा टाइम ड्यूरेशन होता है जिस पर प्रेगनेंसी के समय प्लेसेंटा का वेट फीटस के वेट के बराबर हो जाता है। ये 17 वीक्स पर ऐसा होता है। और यहां पर आपको याद रखना होगा 3 टर्म्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन प्लेसेंटा को डिस्क्राइब करने के लिए। वो हैं डिस्क्वायड, हेमिकोरॉइडल और डेसिडुएट। तो डिस्क्वायडल का मतलब होता है, या डिस्क्वायड का मतलब होता है डिस्क शेप का प्लेसेंटा, जबकि हीमोकोराइडल जो प्लेसेंटा होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो प्लेसेंटा है वो मैटरनल ब्लड के क्लोज कांटेक्ट में है। तो बस इससे ये एक अनुमान लगता है हीमोकोराइडल से कि जो मैटरनल ब्लड है उसके काफी क्लोज कांटेक्ट में है प्लेसेंटा, हीमोकोराइडल। और तीसरा होता है डेसिडुएट। डेसिडुएट जो प्लेसेंटा होती है वो आफ्टर डिलीवरी शेड ऑफ हो जाती है। यहां पर हम देखिए डिस्क के शेप का ये डिस्क्वायर्ड प्लेसेंटा है, ये फीटस ग्रो कर रहे हैं, जबकि ये डिस्क्वायर्ड प्लेसेंटा है। ह्यूमन प्लेसेंटा से जुड़ी हुई एक और टर्म है हीमोकोराइडल। हीमोकोराइडल का मतलब ये होता है कि ऐसा ह्यूमन और रोडेंट्स में देखने को मिलता है जिसमें मैटरनल ब्लड के क्लोज कांटेक्ट में प्लेसेंटा होती है। तो आप देखें यहां पर हीमोकोराइडल होता है जिसमें मैटरनल ब्लड और जो फीटल ब्लड होता है उनके बीच में क्लोज कांटेक्ट होता है। हीमोकोराइडल से पहले होता है इंडोथिलियोकोराइडल, जो कि डॉग और कैट्स में देखने को मिलता है। इसमें बैरियर थोड़ा ज्यादा होता है। और एपिथिलियोकोराइडल में आप देख रहे हैं, जो कि काऊ और पिग और हॉर्सेस में देखने को मिलता है। तो इस तरीके की सिचुएशंस होती हैं। हीमोकोराइडल ह्यूमन और रोडेंट्स में होते हैं जिसमें ब्लड क्लोज विसिनिटी, क्लोज कांटेक्ट में होता है मैटरनल ब्लड के। चलिए यहां पर शुरू करते हैं हीमोकोराइडल से ही। यहां पर देखिए जो फीटल ब्लड है, फीटल ब्लड वेसल्स हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर हैं, सीधे सीधे तौर पर आप यहां पर देख रहे हैं प्लेसेंटल जो टिश्यू हैं, और मैटरनल ब्लड काफी क्लोज कांटेक्ट में है, जबकि यहाँ इंडोथिलियो कोराइडल में जो बीच के कनेक्शन में कनेक्टिव टिश्यू भी आ जाती है। तो आप देखिए ये मैटरनल ब्लड वेसल्स अलग होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उसके बाद इनके बीच में एक कनेक्शन होगा, जबकि इससे अलग एपिथेलियो कोराइडल जो प्लेसेंटा होती है इसमें यूट्राइन एपिथिलियम होगा, ट्रोफो एक्टोडर्म होगा, उसके बाद यहां पर देखिए यूट्राइन एपिथिलियम है, उसके बाद यहां ब्लड वेसल्स भी अपने प्रॉपर कवरिंग के साथ हैं। तो ये क्लोज विसिनिटी नहीं है, क्लोज कांटेक्ट नहीं है। उससे ज्यादा क्लोज कांटेक्ट हुआ इंडोथिलियो कोराइडल में, और उससे ज्यादा हुआ हीमोकोराइडल में।
यहाँ पर दो तरीके से और भी प्लेसेंटा बताई जाती हैं, एक नॉन डेसिडुएट और दूसरा डेसिडुएट। डेसिडुएट क्या होते हैं? पार्चुरेशन के समय पर यानी ड्यूरिंग डिलीवरी ये शेड ऑफ होते हैं। ये ह्यूमन प्लेसेंटा की खास बात है। और भी बहुत सारे टर्म्स ह्यूमन प्लेसेंटा के लिए यूज किए जा सकते हैं, लेकिन आपको ये कम से कम इतना तो याद रखना है कि ह्यूमन प्लेसेंटा डिस्क शेप का होने की वजह से डिस्क्वायर्ड, मैटरनल ब्लड इसका क्लोज कांटेक्ट में होने की वजह से हीमोकोराइडल, शेड ऑफ डिलीवरी के समय होता है इसलिए डेसिडुएट। इतने टर्म्स आपको याद रखने हैं। तीनों टर्म्स हमें याद रहने चाहिए, हीमोकोराइडल हीमोकोराइडल सॉरी हीमो हीमो हीमोकोरियल टर्म है, हीमोकोराइडल नहीं है, माफ करिएगा, हीमोकोरियल। तो डिस्क्वायर्ड, हीमोकोरियल और डेसिडुएट, ये तीनों टर्म आपको याद रखना है। अब हम प्लेसेंटा के बारे में और डिटेल में चलें, तो हम इस बात को पहले भी मेंशन कर चुके हैं कि प्लेसेंटा के दो साइड होते हैं, एक मैटरनल साइड और दूसरा फीटल साइड। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि मैटरनल साइड प्लेसेंटा का कितना हिस्सा होता है और फीटल साइड कितना हिस्सा होता है, तो उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। मैटरनल साइड के बारे में बता दें तो मैटरनल साइड फीटल सॉरी मैटरनल साइड जो प्लेसेंटा की होती है वो केवल 1/5 प्लेसेंटा मैटरनल साइड की होती है, 4/5 प्लेसेंटा फीटल साइड से बनती है, यानी मेजर पार्ट फीटस बनाता है। जाहिर सी बात है जिसको जरूरत है वो ज्यादा इसका ध्यान रखेगा। तो फीटस के प्लेसेंटा के दो साइड होते हैं जिसमें फीटल साइड से बनने वाला प्लेसेंटा ज्यादा होता है, 4/5 पार्ट फीटल प्लेसेंटा का उसी से बना होता है। तो मैटरनल और फीटल साइड को थोड़ा सा हम तुलना कर लें, 1/5 जो प्लेसेंटा होता है वो मैटरनल साइड से, 4/5 फीटल साइड से, और इसको हम कलर से देख करके भी पहचान सकते हैं मैटरनल साइड कौन सा होगा। तो ये मैटरनल साइड का डल रेड इन कलर होता है, जबकि फीटल साइड में ये शाइनी कलर का होता है, ग्रेइश इसका कलर होता है। एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर आप देख सकते हैं ये है फीटल साइड और ये है मैटरनल साइड। आप देख सकते हैं ये शाइनी है, थोड़ा सा ग्रेइश है, इधर अम्बिलिकल कॉर्ड पाया जा रहा है। फीटल साइड 4/5 पार्ट होता है, मैटरनल साइड 1/5 पार्ट होता है, ये डल रेड कलर का होता है, ये कई लोब्स में यहां पर डिवाइडेड है। इन लोब्स को हम, ये लोब्स जो दिख रहे हैं ये कॉटिलिडन्स हैं, ये पॉलीगोनल शेप के एरियाज हैं जिनको कॉटिलिडन्स कहते हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं शाइनी सरफेस आपको नजर आ रहा है, ग्रेइश कलर का सरफेस फीटल सरफेस में नजर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, मैटरनल साइड में मैंने आपको बताया था डल रेड कलर का होता है, डिवाइडेड होता है इनटू लोब्स और कॉटिलेडन्स में। तो कॉटिलेडन्स हमने आपको दिखाया था, यहां पर मैंने आपको दिखाया ये भी कि फीटल साइड में अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है और ये अटैच जहां पर होता है उस अटैचमेंट को भी आपने देखा था। और जो इसका ओरिजिन है मैटरनल साइड का, प्लेसेंटा की ओरिजिन डेसिडुआ बेसालिस से होती है, ये बात मैंने आपको बता रखा है पहले लेक्चर्स में हमने देखा है। जबकि आपने फीटल साइड में जो भी प्लेसेंटा बना है वो ट्रोफोब्लास्ट की मदद से बना था और ये कोरियन फ्रोंडोसम के द्वारा बनाया जाता है, कोरियन फ्रोंडोसम, इस टर्म को आपको याद रखना है। और एक बात ये भी याद रखना है कि प्लेसेंटा की जो स्ट्रोमा होती है वो फैगोसिटिक सेल्स रखती है, जिसको हम इन सेल्स को हाफ बार सेल कहा जाता है। ये स्पेलिंग मैंने थोड़ी सी गलत लिख दी है, इसको आप समझ लें, HOFBAUER, हाफ बार सेल, जो भी आप पढ़ लें। तो हाफ बार सेल का मतलब होता है ये फैगोसिटिक सेल्स हैं, HOFBAUER हाफ बार सेल हैं,
और इनका अपना इंपॉर्टेंस ये है कि ये फैगोसिटिक फंक्शन रखती हैं। इसके अलावा आपको एक बात और समझना है, यहां पर न्यूटाबियुक्स लेयर पाई जाती है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये न्यूटाबियुक्स लेयर इंडोमेट्रियम से और डीप जा करके फीटस का जो ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन नहीं होने देती है। नीटा ब्यूक्स लेयर का अपना एक इम्पॉर्टेंस है। इस इमेज में हम देख सकते हैं नीटा ब्यूक्स लेयर को। ये देखिए, ये फाइब्रोनॉइड डिजनरेशन की बनी हुई एक लेयर है। फाइब्रोनॉइड डिजनरेशन या फाइब्रोनॉइड डिपोजिशन की बनी हुई एक लेयर है। फाइब्रोनॉइड डिपोजिशन की वजह से इस लेयर की खास बात यह होती है कि ये फीटस को और भीतर जाकर के इम्प्लांट नहीं करने देता, मायोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन नहीं होने देता। अगर ये नीटाब्यूक्स लेयर नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन और डीप हो सकता है। तो इसका इंपॉर्टेंस आपको समझना होगा, न्यूटाबियुक्स लेयर को। ये कहां पाई जाती है? डेसिडुआ बेसालिस में पाई जाती है। इसकी वजह से डेसिडुआ बेसालिस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। आप यहां पर देखें, एक पार्ट है डेसिडुआ कॉम्पैक्टा और दूसरा पार्ट है डेसिडुआ स्पॉन्जियोसा। आप यहीं पर देख सकते हैं प्लेसेंटा के स्ट्रोमा में कुछ खास किस्म के सेल्स, जिनको हाफ बावर सेल कहा जाता है। हाफ बावर सेल, या जो भी आप बोल लें, हाफ बावर सेल ये हैं। और यहां पर साइटोट्रोफो ब्लास्ट हैं, सिंसिशियो ट्रोफो ब्लास्ट की लेयर है। बाकी सारी चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पर ये मैटरनल ब्लड है, मैटरनल ब्लड आपको यहां पर दिख रहा है, मैटरनल ब्लड है। ये मैटरनल ब्लड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, तो ये इसी वजह से हीमोकोरियल प्लेसेंटा कहलाता है। मैटरनल ब्लड क्लोज विसिनिटी में होता है प्लेसेंटा के, इसलिए इसको हीमोकोरियल प्लेसेंटा कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। हाफ बार सेल दिखाना था, नीटाब्यूक्स लेयर दिखाना था, इसलिए मैंने इस इमेज की मदद ली है। तो नीटाब्यूक्स लेयर क्या है? ये फाइब्रोनाइड डिजनरेशन के द्वारा बनी हुई एक लेयर है, प्लेसेंटा में पाई जाती है, जिसकी वजह से और डीप इम्प्लांटेशन नहीं होता है। ये लेयर अगर प्लेसेंटा में अब्सेंट रही, जैसा कि अगर ये लेयर अब्सेंट हो गई, तो डीप इम्प्लांटेशन हो सकता है, जो कि केस आपको प्लेसेंटा एक्यूरेटा में देखने को मिलता है। यहां पर हम देख सकते हैं जो नॉर्मल प्लेसेंटा है वो इंडोमेट्रियम की दीवारों तक ही इम्प्लांट होते हैं। नॉर्मल प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन इंडोमेट्रियम तक होता है। अगर ये मायोमेट्रियम में जाकर के इम्प्लांट कर रहा है, क्यों करेगा? क्योंकि यहां पर जो नीटाब्यूक्स लेयर होती है वो नहीं पाई जाती, इसलिए डीप इम्प्लांटेशन हो जाता है। और इस कंडीशन को कहते हैं प्लेसेंटा एक्रिटा। और डीप अगर इसका इम्प्लांटेशन हो जाए, इसी प्रोसेस को और ज्यादा डीपली अगर इम्प्लांटेशन अगर हो जाए, तो आप देखेंगे प्लेसेंटा एक्रिटा में जहां सुपरफिशियली ये मायोमेट्रियम से अटैच्ड है, वहीं इनक्रिटा में ये मायोमेट्रियम से डीपली अटैच्ड हो जाता है। और वहीं और ज्यादा डीपली अगर अटैच्ड हो जाए, ये अटैच हो जाए सिरोसा की लेयर तक, तब इस कंडीशन को कहते हैं प्लेसेंटा परक्रिटा। तो प्लेसेंटा परक्रिटा क्या है, इसको हम लोगों ने देखा। तो नॉर्मल सिचुएशन एक्रिटा, इनक्रिटा, परक्रिटा, इसको इमेज के माध्यम से हम लोगों ने समझ लिया है। और ये लेयर्स डेवलप क्यों हुई, इनकी समस्या क्यों थी, नीटाब्यूक्स लेयर का क्या इंपॉर्टेंस था, उसको हम लोगों ने समझा। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि जो इम्प्लांटेशन है वो कितना डीपली हो सकता है, उसके जो वेरिएशंस हैं, उन सारी चीजों को हम लोगों ने समझने की कोशिश किया है। मैं बता दूं, एक्रिटा, इनक्रिटा और परक्रिटा ये मॉर्बिडली एडरेंट प्लेसेंटा की कैटेगरी में आते हैं। खैर, अब हम चलते हैं, बात करते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा के बारे में। क्या है फंक्शनल यूनिट? इसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो इसकी यूनिट्स होती हैं कॉटिलेडन्स।
अब टोटल सरफेस एरिया पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्लेसेंटा जिससे होकर के गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल हो सकता है, तो ये एक डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर आता है 12 मीटर स्क्वायर। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का क्या फंक्शन होता है इसको भी समझ लेते हैं। प्लेसेंटा का फंक्शन क्या क्या होगा? तो ये रेस्पिरेटरी फंक्शन होता है, एक्सक्रेटरी फंक्शन होता है, इसका अपना इंडोक्राइनल फंक्शन होता है, इसका न्यूट्रिशनल फंक्शन होता है, क्योंकि ये बहुत ही एक वाइटल कनेक्टिविटी है जो कि फीटस को बहुत हद तक सपोर्ट करती है। इसका न्यूट्रिशनल, रेस्पिरेटरी, इंडोक्राइन, बहुत सारे इसके फंक्शन हैं। इसमें एक सवाल पूछा जाता है कि कौन सा इंडोक्राइन फंक्शन इंपॉर्टेंट ज्यादा होता है, तो यहां पर देखा गया है आउट ऑफ दीज इंडोक्राइन फंक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट। तो इसमें देखा गया है यहां पर एस्ट्रोजन का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन अगर ये प्रिकर्सर्स की मदद से, यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या जो एस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन भी बना सकता है प्लेसेंटा, लेकिन वो प्लेसेंटा कैसे बनाता है, उसका प्रिकर्सर कहां से आएगा? तो आपने पढ़ा होगा एस्ट्रोजन हार्मोन के को बनने से पहले बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं, बायोकेमिकल एक सीक्वेंस आपने पढ़ा होगा। तो एस्ट्रोजन हार्मोन को बनाने के लिए जो बायोकेमिकल जो सीक्वेंसेस हैं उसको जब आप ध्यान में रखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि प्लेसेंटा एस्ट्रोजन को पूरी तरीके से नहीं सिंथेसाइज कर सकता है, ये प्रिकर्सर के माध्यम से इसको सिंथेसाइज करता है। तो प्रिकर्सर कहां से मिलता है? फीटस से मिलता है। ये बात भी हमें याद रखना है कि ये एस्ट्रोजन बना सकता है फीटस से मिलने वाले प्रिकर्सर के बाद। इसके अलावा ये प्रोजेस्टेरॉन को सिंथेसाइज कर सकता है प्लेसेंटा से, बीटा एचसीजी सिक्रीट होता है प्लेसेंटा से, एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन भी सिक्रीट होता है, तो ये सारे रिलीज होते हैं। एस्ट्रोजन जो कि प्रेगनेंसी के लिए स्पेसिफिक होता है वो भी आपको याद रखना, E3 और E4, ये एस्ट्रोजन प्रेगनेंसी के लिए स्पेसिफिक होते हैं, मेन एस्ट्रोजन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी E2 होता है। तो ये सारे टर्म्स आपको याद रखना है। जब प्लेसेंटा कार्पस ल्यूटियम का फंक्शन ले ले ऐसा कब हो पाता है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि नॉर्मली क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो बनता है वो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को रिलीज करता रहता है, लेकिन बाद में प्लेसेंटा वो काम करने लगता है। तो 8 to 10 वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये चीज देखने को मिलता है कि प्लेसेंटा का जो इंडोक्राइन फंक्शन है वो फुल्ली एक्टिवेट हो जाता है, इस हद तक कि कॉर्पस ल्यूटियम की एक्टिविटी की जरूरत नहीं पड़ती, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन प्लेसेंटा से ही होने लगता है। इसी तरीके से एचपीएल को कौन बनाता है? एचपीएल को सिंसेशियो ट्रोफोब्लास्ट बनाता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है इंसुलिन रेसिस्टेंस के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये टर्म याद रखना है, क्या? सिंसेशियो ट्रोफोब्लास्ट बनाता है एचपीएल को, और ये एक खास हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इंसुलिन रेसिस्टेंस के लिए प्रेगनेंसी के दौरान, और यह बताता है प्लेसेंटल वेलबींग के बारे में भी। एक बात याद रखें, मैंने आपको बताया था एचपीएल जो कि ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो हार्मोन है ये डायबिटोजेनिक है, ये मैटरनल इंसुलिन लेवल बढ़ाता है और इस वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस बढ़ जाती है, तो ये इंसुलिन रेसिस्टेंस पैदा करता है, ये बात याद रखिएगा। इस वजह से इंसुलिन का लेवल मैटरनल ब्लड में बढ़ जाता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस कराने के लिए जरूरी होता है। ये मैटरनल लिपोलिसिस कराता है एचपीएल, जिसके वजह से फैटी एसिड का लेवल ब्लड में ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फीटस को एनर्जी का सोर्स मिलता है। इसके अलावा ये पोटेंट एंजियोजेनिक हार्मोन है जो कि फीटल वेस्कुलेचर को बनाने के लिए जरूरी होता है।
यहां पर इस इमेज में हम देख सकते हैं बाकी सारे हार्मोन्स के बारे में, बीटा एचसीजी या एचसीजी, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन के बारे में। यहां पर आप देख सकते हैं प्लेसेंटा सबसे पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, शुरुआती दौर में, ये एचसीजी के सिंथेसिस को बहुत तेजी से कराता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में, अच्छा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप देख रहे हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्लेसेंटा एचसीजी को कराता है, जबकि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन के सिंथेसिस कराता है। आप देख सकते हैं इस इमेज में ना। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में धीरे धीरे जैसे जैसे प्लेसेंटा डेवलप होता जाता है, ये खुद से भी प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन की सिंथेसिस करने लगता है, और जो कॉर्पस ल्यूटियम है उससे सिंथेसिस घटने लगती है। इसलिए कहा जाता है ना, 8 to 10 weeks आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्लेसेंटा पूरी तरीके से एक्टिव हो जाती, इस हद तक एक्टिव हो जाती कि अब इसे कॉर्पस ल्यूटियम के एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होती है। वहीं पर आप थर्ड ट्राइमेस्टर में देख रहे हैं पूरी तरीके से ओवरी से कोई भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज नहीं होता है, सारा का सारा जो भी रिलीज होना है वो प्लेसेंटा से रिलीज होता है। और थर्ड ट्राइमेस्टर तक आते आते बीटा एचसीजी का लेवल कम होने लगता है, और जो आप देख सकते हैं प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे हायर लेवल तक बीटा एचसीजी का लेवल होगा, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन कम होते हैं, बाद के जो ट्राइमेस्टर हैं उनमें धीरे धीरे करके एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बढ़ता है, और इस दौरान आप देख रहे हैं कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे उसकी एक्टिविटी को प्लेसेंटा ही अपने लेवल पर कराने लगता है। नेक्स्ट अब हम लोग चलेंगे इंसुलिन रेसिस्टेंस के बारे में जानने के लिए। तो इंसुलिन रेसिस्टेंस मैक्सिमम प्रेगनेंसी में कब होता है, मैक्सिमम इंसुलिन रेजिस्टेंस कब होता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये 24 to 28 weeks आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये देखने को मिलता है। और इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए, तो HPL होता है। और इसी तरीके से एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसके लिए इंसुलिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी इसमें सपोर्ट करते हैं। तो इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से इंसुलिन का जब लेवल बढ़ा हुआ होगा तो प्रोटीन की सिंथेसिस बढ़ेगी, और प्रोटीन की सिंथेसिस बढ़ेगी तो ग्रोथ तेजी से होगा, इसलिए HPL का अपना एक इम्पॉर्टेंस होता है। मैंने इस चीज पर डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया भी था कि HPL लाइपोलिसिस कराता है जिसकी वजह से कीटोन बॉडीज बनते हैं, तो HPL का अपना एक इम्पॉर्टेंस है। और HPL का दूसरा नाम है ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रॉफिन। सोमेटोट्रॉफिन क्यों, क्योंकि ये ग्रोथ में मदद करता है। कैसे मदद करता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस करा करके। इंसुलिन रेसिस्टेंस कराने से क्या होगा, इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ होगा ब्लड में, इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ होगा तो क्या होगा, उसकी वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, उसकी वजह से क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो प्रोटीन की सिंथेसिस बढ़ा करके ये ग्रोथ कराता है, HCS इसीलिए इसे कहा जाता है। अब लोकेशन प्लेसेंटा का कहां पर होता है इस पर बात करें, प्लेसेंटा का लोकेशन क्या होगा, तो प्लेसेंटा नॉर्मली अटैच्ड होता है अपर यूट्राइन सेगमेंट में। इस चीज को अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि नॉर्मली प्लेसेंटा अपर यूट्राइन सेगमेंट में अटैच्ड होता है, लेकिन अगर ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट में अटैच्ड हो जाए, अगर ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट में अटैच हो जाए तो इस कंडीशन को कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, प्लेसेंटा प्रीविया कहलाती है। चलिए देखते हैं एक इमेज के माध्यम से। नॉर्मली आप इस इमेज में देख सकते हैं नॉर्मल प्लेसेंटा अपर यूट्राइन सेगमेंट में पाया जाता है। अगर ये प्लेसेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में पाया जाए तो इसे प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। ये किस हद तक लोअर यूट्राइन सेगमेंट में है उसके आधार पर मार्जिनल और कंप्लीट में डिवाइड किया गया है। अगर ये पार्शियली लोअर यूट्राइन सेगमेंट में है तो इसे मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है, जबकि अगर ये फुली लोअर यूट्राइन सेगमेंट में है तो इसे कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है।
इस तरीके से प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन को याद रखना जरूरी है, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि प्लेसेंटा को कैसे लोकलाइज किया जा सकता है। तो इसको अल्ट्रासाउंड की मदद से लोकलाइज किया जा सकता है। बेहतर तरीके से जानना हो तो थर्ड ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड जब कराते हैं तो उस समय प्लेसेंटा का लोकेशन हम चेक कर सकते हैं। अब एक सवाल बनता है एबनॉर्मेलिटीज ऑफ प्लेसेंटा पर। यहां पर जिन एबनॉर्मेलिटीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें प्लेसेंटा सक्सेंचुरिएटा, प्लेसेंटा स्प्यूरिया, सर्कमवैलेट प्लेसेंटा और बैटल डोर प्लेसेंटा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी कंडीशन क्या हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ ज्यादा बेहतर तरीके से डिस्कस कर पाएंगे। यहां पर हम फंडामेंटल पर बात किए हैं, नेक्स्ट हम एबनॉर्मेलिटीज पर अगले ही लेक्चर में बात करेंगे, वरना लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा, तो मुश्किल करता है।